ये कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के एक फैमिली से। इस फैमिली में है हैंक। हैंक की वाइफ काफ़ी पहले दुनिया छोड़ गई थी। हैंक का एक बेटा भी है सोनी। हम देखते हैं कि सोनी ने अपनी फ्रेंड को घर पर बुलाया है संभोग करने के लिए। इस लड़की का नाम वेरा है। वेरा आते ही सोनी से ज़्यादा बात नहीं करती। दोनों ही बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। निर्वस्त्र होकर दोनों यहाँ संभोग करते हैं। सोनी वेरा को थैंक यू बोलता है और वेरा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोनी फिर से पीने में व्यस्त हो गया। ये उसका अक्सर का काम है। वो संभोग भी ऐसे करता है जैसे कोई शॉपिंग कर रहा हो। सोनी अपने फादर हैंक के साथ करेक्शंस ऑफिसर डिपार्टमेंट में काम करता है। हैंक के फादर भी इस कहानी में हैं। हैंक के फादर यानी सोनी के ग्रैंडफादर बक भी इसी डिपार्टमेंट में काम करते थे। अब वो रिटायर हो चुके हैं। बक के साथ ही ये दोनों बाप बेटे रहते हैं। बक की वाइफ यानी हैंक की माँ ने काफ़ी पहले खुदकुशी कर ली थी। तब से बक की लाइफ तन्हाइयों के अंधेरे में बीतती है। सोनी की दो ब्लैक लड़कों डैरिल और विली से दोस्ती है, पर बक को पसंद नहीं कि कोई भी ब्लैक बॉय उसकी प्रॉपर्टी में आए। हैंक बाद में सोनी को डांटता है। वो उसे ब्लैक लड़कों से दूर रहने को कहता है या उसकी पिटाई भी करता है। बाद में हैंक उन ब्लैक लड़कों को भी डराते हुए कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में आने की हिम्मत मत करना। इतने में इन बच्चों के फादर रायरू ने हैंक को धमकाया। वो कहता है कि ये दोनों उसके बच्चे हैं, कोई उसके बच्चों को डांटे ये उसे पसंद नहीं। यहाँ हैंक और रायरस में कहा सुनी होती है। हैंक इस प्रिजन में डिप्टी वार्डन है। इस जेल में है लॉरेंस। लॉरेंस को एक क्राइम के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई है। उसकी वाइफ लेटिसिया आज उससे मिलने आई है। लेटिसिया कहती है कि उसे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, पर लॉरेंस की वजह से उसे इस जगह पर आना पड़ता है। लॉरेंस लेटिसिया कहते हैं कि वो कभी भी लेटिसिया को मिल नहीं पाएगा। लेटिसिया यहाँ धूम्रपान करते हुए चली जाती है। लॉरेंस एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसकी ड्राइंग्स काफ़ी आकर्षक होती हैं। उसकी देखरेख का जिम्मा सोनी को भी सौंपा गया है। ये दोनों बाप बेटे लॉरेंस की तब तक देखरेख करेंगे जब तक उसे सजा के तौर पर मार नहीं दिया जाता। लॉरेंस ने सोनी की एक ड्राइंग बनाई है। सोनी जब इस ड्राइंग को देखता है तब बड़ा इमोशनल हो जाता है। अब वो लॉरेंस के प्रति थोड़ी नरमी दिखा रहा है। हैंक को ये सब पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद सोनी को लॉरेंस इलेक्ट्रिक चेयर पर ले जाता है। उसकी मौत की सज़ा सोनी के जिम्मे है। लॉरेंस यहाँ वॉमिट करता है और फिर चेयर से गिर जाता है। ये सब देखकर सोनी लॉरेंस के प्रति सॉफ्ट हुआ है। हैंक ये सब देखे जा रहा है, उसे ये सब पसंद नहीं आया। फाइनली यहाँ लॉरेंस को मौत की सज़ा दे दी गई। हैंक बाद में बाथरूम में सोनी को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि अपनी ड्यूटी में तुम एक कैदी के साथ इतना सॉफ्ट कैसे हो सकते हो। हैंक सोनी की यहाँ पिटाई भी करता है। अगली सुबह हैंक सोनी के बेडरूम में आया है। वो उस पर अटैक करता है, उसे धमकाते हुए ये घर छोड़ने को कह रहा है। सोनी ने पिलो के नीचे एक रिवॉल्वर छिपा रखी है। इसे वो हैंक पर तानता हुआ उसे ड्राइंग रूम में लाता है। यहाँ बक भी बैठा हुआ है, वो ये तमाशा देखे जा रहे हैं। सोनी हैंक से पूछता है कि आपने हमेशा मुझसे नफरत किया है। हैंक डर के मारे ये कबूल करता है कि हाँ, उसने सोनी को कभी प्यार नहीं किया। सोनी ये सुनकर खुद को ही मार लेता है। बाद में हैंक सोनी की बॉडी को घर के पीछे गाड़ देता है। उस पर पुलिस की सुनवाई हुई, पर यह साबित हो गया कि हाँ, सोनी ने खुदकुशी की है। इस तरह हैंक बच गया, पर आजकल वो इतना डिप्रेस है कि उसने जॉब छोड़ दिया है। यूनिफॉर्म को भी यहाँ घर के पीछे वो जला रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंक भी उसी लड़की को घर बुलाता है, वेरा को, जिसके साथ सोनी ने संभोग किया था। यहाँ हैंक वेरा को निर्वस्त करके उसके साथ संभोग करता है। आजकल उसने जॉब छोड़ दी है, काफ़ी डिप्रेशन में रहता है। कुछ दिनों के बाद उसने गैस स्टेशन खरीदा है। इधर लॉरेंस की वाइफ लेटिसिया एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही है। उसके पास पैसों की प्रॉब्लम है। मकान मालिक उसे बार बार घर खाली करने को कहता है, इस वजह से उसने ये जॉब शुरू किया है। इन पैसों से वो अपने बेटे टायरल को पाल रही है। टायरल में भी अपने फादर का टैलेंट है, पर लेटिसिया अक्सर उसे मारती रहती है। उसके मोटापे की वजह से अक्सर उसे धमकाती रहती है, उसे वेट लूज करने को कहती रहती है। लेटिसिया की प्रॉब्लम आजकल और भी बढ़ गई है, जब मकान मालिक बार बार उसे नोटिस भेजे जा रहा है। लेटिसिया जहाँ काम करती है वहाँ आजकल हैंक अक्सर आने लगा है। इस तरह लेटिसिया और हैंक की बातचीत होने लगी, पर इन दोनों को नहीं मालूम कि इन दोनों के बीच में क्या कॉमन कनेक्शन है। एक दिन लेटिसिया टायरल को अपनी कार में लिए जा रही थी, पर ये कार खराब हो गई। दोनों को पैदल घर जाना पड़ा। एक रात जब हैंक कार ड्राइव करता हुआ जा रहा है तब बारिश बहुत तेज़ हो रही है। यहाँ रोड पर लेटिसिया टायरल को लिए हेल्प के लिए चिल्ला रही है। एक कार ने टायरल को हिट कर दिया है। टायरल इस समय खून से लथपथ है। जब लेटिसिया हेल्प के लिए चिल्लाती है तब हैंक कार रोककर उसके पास आता है।
पहले तो हेजिटेट करता है, फिर वो टायरल को हॉस्पिटल लाया है। यहाँ डॉक्टर्स टायरल की देखभाल करते हैं, पर यहाँ वो अनाउंस करते हैं कि टायरल अब मर चुका है। ये सब सुनकर लेटिसिया काफ़ी इमोशनल हुई है। वो यहाँ हैंग से लिपट कर रोती है। पुलिस हैंग से कहती है कि उसे लेटिसिया को उसके घर तक छोड़ देना चाहिए। हैंग लेटिसिया को अपनी कार में बिठा कर उसके घर छोड़ने आया है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है। हैंग कहता है कि उसने भी अपना बेटा हाल ही में खोया है। कुछ दिनों बाद हैंग फिर से लेटिसिया के वर्क प्लेस पर पहुँचा है। वो लेटिसिया को घर ड्रॉप करने के लिए ऑफर करता है। पहले तो लेटिसिया इन सब से इनकार करती है, पर हैंग के बार बार कहने पर वो इसे कबूल कर लेती है। लेटिसिया हैंग को अपने घर के अंदर में इनवाइट करती है। हैंग यहाँ पड़ी ड्राइंग से ये फिगर आउट कर लेता है कि लेटिसिया और कोई नहीं बल्कि लॉरेंस की विधवा है। अब वो लेटिसिया को कैसे बताए कि उसने लॉरेंस के एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। वो इस बात को छुपा लेता है। दोनों यहाँ साथ में शराब पीते हैं। इसके बाद लेटिसिया कहती है कि उसने सालों से संभोग नहीं किया। वो हैंग से पूछती है कि क्या वो उसके साथ संभोग करेगा। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर धुआंधार संभोग करते हैं। हैंग ने आज की रात लेटिसिया के यहाँ ही बिताई है। इस तरह इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। हैंग को सोनी की खराब कार दिखी है। वो इसकी रिपेयरिंग कराने के लिए राइसेस के शॉप पर आया है। इसके बाद हैंग इस कार को लेटिसिया को देना चाहता है। पहले तो लेटिसिया इसे लेने से इनकार करती है, पर हैंग की जिद पर वो एक कार रख लेती है। कुछ दिनों बाद लेटिसिया हैंग के घर आई है। वो साथ में एक हैट लाई है गिफ्ट के तौर पर, पर यहाँ हैंग मौजूद नहीं है। यहाँ बक है जो कि ब्लैक लोगों को पसंद नहीं करता। वो लेटिसिया से हैट ले लेता है। वो लेटिसिया की बेइज्जती करते हुए कहता है, मेरा बेटा तुम्हारे साथ है क्योंकि उसे ब्लैक लड़कियों के साथ संभोग करना अच्छा लगता है। तुम उसके लिए सिर्फ एक संभोग की वस्तु हो। लेटिसिया इन सब की वजह से जाने लगी। हैंग यहाँ पहुँचा। उसने लेटिसिया को रोकने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। बाद में जब हैंग को अपने बाप की हरकत का पता चला, तब उसने अपने फादर को घर से निकाल दिया। अब बक को उसने नर्सिंग होम में भिजवा दिया है। वो लेटिसिया को मनाने उसके वर्क प्लेस पर जाता है, पर लेटिसिया उससे बात नहीं करना चाहती। अब हैंक ने अपने गैस स्टेशन का नाम लेटिसिया रख दिया है। उसे उम्मीद है कि कभी ना कभी तो लेटिसिया को मना लेगा। इतने में लेटिसिया को उसके ओनर ने नोटिस भेजकर घर खाली करा दिया है। हैंग उसे अपने घर में आने के लिए इनवाइट करता है। लेटिसिया इस तरह हैंग के यहाँ शिफ्ट हो गई है। यहाँ जब दोनों बेडरूम में हैं, तब एक दूसरे से गले लगते हैं। इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर होते हैं। रात के समय हैंग कहता है कि वो लेटिसिया के लिए आइसक्रीम लाने जा रहा है। जब हैंग बाहर गया है, तब लेटिसिया यहाँ पड़ी हुई ड्राइंग्स देखती है। ये सॉरी और हैंग की ड्राइंग है, पर लेटिसिया ने यह पहचान लिया है कि इसे लॉरेंस ने ड्रॉ किया था। अब वो ये समझ चुकी है कि हैंक लॉरेंस के एग्जीबिशन के समय वहाँ था। वो इन सब में इन्वॉल्व भी था। ये बड़ा ऑकवर्ड है उसके लिए। इतने में यहाँ हैंक आया है आइसक्रीम लिए। लेटिसिया उससे कुछ कहती नहीं। दोनों पॉर्च में बैठे हैं। हैंक कहता है कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताया कि इनके बीच क्या कनेक्शन है। दोनों जानते हैं, पर ये एक दूसरे से बताना नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।